हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 31 अगस्त, आज है गणेश चतुर्थी, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, अभी हो रहे हैं 6:40 मॉर्निंग के, और मैं यहाँ कर रही हूँ दीवो के टिफ़िन की तैयारी। सबसे पहले तो कल रात को ही डिसाइड कर लिया था कि भिंडी बनाऊँगी टिफ़िन में, तो भिंडी मैंने रात में ही काट ली थी। अब मैं काट रही हूँ प्याज, और फटाफट प्याज काट के मैं छौंकूंगी भिंडी को। एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, और सरसों का तेल, क्योंकि मेरे यहाँ सारी सब्ज़ी सरसों के तेल में बनती है, तो सरसों का तेल मैंने गरम कर रही हूँ। बस यहाँ प्याज कट जाएगी और तुरंत भिंडी छौंक दूँगी। तो चलिए गाइस, भिंडी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो ये मैंने पहले डाला है हींग, और अब डालूँगी जीरा, और हींग और जीरे को थोड़ा सा छिटक जाए उसके बाद डालूँगी इसमें प्याज। प्याज को थोड़ा सा भूनूंगी। यहाँ पर गाइस मैंने डाल दी है प्याज भूनने के बाद भिंडी। अब भिंडी को थोड़ा भूनने दूंगी, ढक के नहीं भूनूंगी। मैंने गलती से इसको प्लेट रख दी थी, पर मैं ढक के नहीं भूनूंगी, खोल के इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी अच्छे से, कि थोड़ी सी भून जाए। अगर एकदम से मसाले डाल दो ना गाइस, तो ये थोड़ी अजीब सी हो जाती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ढक के बिना ही ऐसे ही भूनने दूंगी थोड़ी सी। और तब तक मैं लगा लूंगी अपना आटा। तो चलिए गाइस, पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ। जैसे ही आटा गूंद जाएगा मैं डाल दूंगी मसाले। आटा गूंदते गूंदते साथ साथ मैं भिंडी भी चलाती रहूँगी, और साथ साथ मैं आटा भी गूंदती रहूँगी, कि भिंडी लगे ना नीचे तले पे, तो साथ साथ आटा भी गूंदूंगी। आटा ऑलमोस्ट मेरा गूंद गया है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा और भून अच्छे से आटे को मथ के, और मैं ढक के आटे को रख दूंगी, और उसके बाद भिंडी में मसाला डाल दूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने भिंडी में डाला है पहले नमक, और अब मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, और अब डालूँगी मिर्च, नमक, हल्दी, मिर्च, और अब डालूँगी थोड़ा सा धनिया। बस यही सब डाल के अब मैं भिंडी को अच्छे से भून दूँगी, मसालेदानी को ऊपर रख दूँगी, भिंडी को अच्छे से भून के चला के ढक के रख दूँगी। चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में बाकी सब क्या कर रहे हैं। सो गाइस, दीपक जी कर रहे हैं घर की क्लीनिंग, और मम्मी कर रही है दिव्या को स्कूल के लिए रेडी। तो बस यहाँ सब अपने अपने काम कर रहे हैं। गाइस, मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में, और यहाँ कर रही हूँ किचन की शेल्फ को क्लीन, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं शेल्फ़ पर ही रोटी बनाती हूँ, चकले का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो रोटी बनाने जा रही हूँ दीवो के लिए, तो यहाँ कर लिया है मैंने क्लीन शेल्फ़ को, और अब बनाऊँगी। एक तरफ चढ़ा लिया है मैंने तवा गैस पर, और अब बनाऊँगी मैं दीवो के लिए पराठी। बस दो पराठी उसके लिए बना के सबसे पहले, और मैं रखूँगी ये, मैं थोड़ा सा तेल आटे में लगा रही हूँ, जिससे कि वो चिपके ना और चिकना सा रहे थोड़ा सा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सेक लिया है दीवो के लिए पराठा। एक्चुअली पहला पराठा मैं उसको नाश्ता करने के लिए दूँगी, तो यहाँ पराठा प्लेट ले लिया है मैंने। अब मैं उसके लिए प्लेट लगा के उसको पहले नाश्ता दे दूँगी। तो ये सब्ज़ी एक्चुअली बन गई थी, थोड़ी सी और भुन रही थी। मैंने कहा तब तक तुम नाश्ता करो, तब तक सब्ज़ी पूरी तरह से फ्राई हो जाएगी। तो बस अभी मैंने उसको ब्रेकफास्ट के लिए दे दिया, वो ब्रेकफास्ट करेगी, इतने में सब्ज़ी भी टिफ़िन के लिए पैक हो जाएगी। चलिए गाइस, अब तैयारी कर लेते हैं दीवो के लंच पैक करने की। तो दीवो के लंच में सिर्फ मैं पराठे और भिंडी की भुजिया रखूँगी। चलिए, तो अब उसका लंच भी पैक कर लेते हैं।
पता है एंड टाइम पे आपको सब कुछ आ जाता है ना। नो बैठ बैठ, दादू के हाथ जोड़ो, बाय। सो फ्रेंड्स, दिव्या चली गई है अपने स्कूल और मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। किचन में आके अब मैं करूँगी मेरे और दीपक जी के लंच की तैयारी, साथ ही साथ दोपहर के खाने की तैयारी और साथ ही थोड़े बहुत तैयारी करूँगी मैं रात के खाने की। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल और साथ में बनाऊँगी अपने लिए घिया की सब्ज़ी। तो चलिए गाइस, पहले दाल को धो लेते हैं और धोने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड, दाल धुल चुकी है, मैंने कुकर में डाल दिया है, साथ ही साथ मैं डाल दूंगी नमक और हल्दी और बस अब इसमें पानी डाल के मैं दाल को उबलने के लिए चढ़ा दूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए घिया। मैं भिंडी लेके नहीं जाऊँगी लंच में, सिर्फ ब्रेकफास्ट करूँगी भिंडी से और घिया मैं लेकर जाऊँगी ऑफिस में। तो बस चलिए घिया बना लेते। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे घी के अकॉर्डिंग कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो एक्सेस ऑयल मैं बाहर निकाल के रख लूँगी और अब मैं छौंक लूँगी अपना घिया। तो घी के लिए सिर्फ मैं हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च और नमक और हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के बस भूनूँगी और मंदी आंच पर ढक के इसको छोड़ दूँगी। सो गाइस, यहाँ मम्मी धो रहे हैं कपड़े, आज वेडनेसडे है तो मम्मी ने भी लगा रखी है मशीन। सो फ्रेंड्स, यहाँ कर लूँगी अब मैं रोटियों की तैयारी अपने और दीपक जी के ऑफिस के लंच के लिए, दीपू और मम्मी के लंच के लिए। बस तो यहाँ फटाफट रोटियाँ सेक के मैं टिफ़िन पैक करूँगी और साथ ही साथ मैं निकालूँगी दीपक जी का ब्रेकफास्ट भी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये करने के बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ नहाने धोने के बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, तैयार हो चुकी हूँ और आ गई हूँ घर के मंदिर में। आप लोग भी मेरे साथ मत्था टेक लीजिए। और फ्रेंड्स, आज आप सबको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी कर लेती हूँ अब ब्रेकफास्ट और मैंने टिफ़िन पैक कर दिए थे, बस इतनी देर में अब दीपक जी क्या करेंगे, हम सबके बैग में लगा देंगे टिफ़िन और बस चलिए चलते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुँच कर आप सबसे मिलती हूँ। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेल, मैं आ चुकी हूँ ऑफिस और अभी हो रहे हैं 10:30 और मैं ऑफिस में पहुँच गई हूँ। दीपक जी भी चले गए हैं अपने ऑफिस। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ। विश यू ऑल वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। मे गॉड गणेशा गिव्स यू लॉट्स ऑफ लव, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब वीडियो। Till then, bye-bye.